हमारे संगीत पे या किसी भी कला जगत में संस्कारों का बहुत महत्व है। तो जो ये संस्कार मुझे बचपन से मिले हैं, इसका मुझे मतलब बहुत इसको फायदा है, लाभ क्या बोलेंगे, तो पर शब्द तो छोटे ही पड़ते हैं, मुझे मतलब बहुत उस पर मेरे पे असर हुआ। और जिसको संस्कार मिलते हैं उसके लिए आगे जाने में आसानी होती है। जिसके घर में जैसे अगर संगीत ना हो और उसको जब संगीत सीखना पड़ता है तो उसको एक दो पीढ़ी आके फिर वो रंग आता है। मुझे ये किस्मत है, मेरी सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में पैदा हुआ, ऐसा वातावरण मिला मुझे, उसका मुझे बहुत बहुत ही लाभ हुआ। देश के दिग्गज कलाकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, पंडित नारायण राव व्यास जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, कुमार गंधर्व जी, प्रोफेसर बी आर देवधर, विद्वान लोग भी आते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, सितार के जो उस्ताद, ये सब लोगों का कार्यक्रम हमारे आंगन में होता था पंडाल लगा के। उन दिनों दिल्ली बिल्कुल ही डेजर्ट था, तो कल्चरल कार्य मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम होते ही नहीं थे कहीं। वो पिताजी ने वो शुरू किया था और वो हमारे प्रांगण में होता था। तो बचपन में ऐसे सुनते सुनते बड़े बड़े कलाकारों को मैं अम्मा की गोदी में सो जाता था, वो मुझे याद है। और ये उनका असर है। और भी बड़े कलाकार आए। एक बार पंडित विनायक राव पटवर्धन जी का किस्सा सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही नीचे से जीने से गाते हुए आ रहा था कुछ मल्हार की ऐसी सरगम, मेरे उन्होंने बुलाया कि भी आवाज अच्छी है, गाना जरूर सीखना। मैंने कहा सिखाइए, पता नहीं था कैसे बोलना होता है ना, अभी भागो यहाँ से। एक ऐसे अंदाज में लोगों को बोला आवाज ठीक है तो गाना सीखना जरूर, ऐसे उन्होंने। ये सब उन दिनों का वातावरण है सर। और टेबल गेमिंग, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, नहीं आप अपनी बात। अब अलग अलग प्रकार के जो ऑर्केस्ट्रा होता था, नाट्य बैले होते थे, उसका मुझ पे बड़ा असर पड़ा। बच्चन जी का मधुशाला, वो हमारे रिहर्सल वहीं प्रांगण में होती थी, अमिताभ जी भी आए थे उसमें, मुझे याद है। तो वो सबका कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह कैसे कंपोज होना, ये कंपोजिशन का भी मेरे पे बचपन में बहुत असर पड़ा पिताजी के थ्रू। ये उसका अलग लाभ मिला मुझे। नहीं, आप ठीक कह सकते हैं कि ये थोड़ी देर हुई जरूर, पर ये नहीं था कि पहले नहीं सीख रहा था। मुझे तो विद्यालय में क्लास होती है वगैरह, उसके बाद मैं चलता ही था मेरा काम, पिताजी से भी अलग चलता था तालीम। बट ये जरूर है कि मैं और चाहता था कि मतलब अभी ये चाहता हूँ कि पहले और शुरू किया होता तो और अच्छा था। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये नहीं था उस टाइम, कुछ नहीं चल रहा था, सब सीखना अलग ढंग से चल रहा था। बट जब सीरियसली मैंने सोचा वो 16-17 से, आप ठीक कह रहे। हाँ, मैं पिताजी से जो शुरू में सीखा ज्यादा नहीं सीख पाया, उसका भी मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैं ज्यादा सीखता। फिर उसके बाद फिर ठगा जी से, वसंत ठगा जी से सीखना हुआ वो। पर वो उन्होंने मुझे ग्वालियर के जो अभ्यास का तरीका है वो शुरू से सीखा था मैंने, पलटे भैरव तोड़ी में राग में, ये सब पहले सीखा था। हाँ, बट ये था जरूर कि क्योंकि घर में ही होता है तो थोड़े फ्री ज्यादा हो जाते हैं गुरु, और जो आपने बोला ना कि गुरु और वो थोड़ा फर्क वो तो होता ही है। इसलिए जब दूसरी जगह सीखने गया तब बिल्कुल वातावरण फर्क। नहीं, ये तो खैर सब सबका ही हो सकता है, पर मुझे जो एक ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, जो हार्ड वर्क, ये पिताजी से मिला, माताजी से मिले, उनकी वैल्यूज मिली ऑनेस्टी की, ये बहुत, मैं बहुत इसको सौभाग्य मानता हूँ। और मेरे मौसा जी टी एन देव साहब, वो मुझे बचपन में, मैं उनके घर जाता था, मेरे भाई वहाँ रहता था, तो वो अलग संस्कार देते थे, विवेकानंद जी की किताबें, नेशनल म्यूजियम ले जाना, हमें एक ये अलग संस्कार वहाँ से मिले। ये
बचपन का संगीत से अलग जो ये भाग है वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाभ मिला उसका। दोनों ही रूप में मुझे बहुत बहुत श्रद्धा है, बहुत मेरे प्रिय थे वो। और उनका थोड़ा सा एक अलग भी था कि वे काफी मतलब करीब जैसे दोस्ती जैसी भी थी, मतलब दूरी होके भी दोस्ती थी। मजाक का मैं बहुत वो चलता था, उनको हंसाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मजाक जैसे कॉपी करता था मैं कई आर्टिस्टों की और उनको फिर दिखाता था, बहुत ही खुश होते थे। और वो उनको हंसी देख के मुझे बहुत खुशी मिलती थी भाई कि हंसा पाया उनको। और उनसे एक बहुत चीजें सीखने को मिली। स्टेज पे मैं उनके साथ बैठता था, अलग अलग संगत कलाकारों के साथ कैसे निभाना है स्टेज पे, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं कैसे वो उसको सॉल्व कर लेते थे उसी टाइम, ये बहुत सारी स्टेज की चीजें मुझे पंडित जी से सीखने को मिली। और उनका एक इतर लगा देते हिना का, वो मुझे उनका सूटकेस वो खोलते थे तो उसमें से ही आती थी खुशबू। और वो शौक मुझे भी है, मुझे आजकल भी खुशबू के शौक अभी भी है। छाप की क्या कहना, बहुत छोटा है मतलब पूरा ही, मतलब देखिए एक जो मैं एक सीख रहा था एक ढंग से, उसके बाद जैसे उनके पास गया, मतलब गया ऐसे नहीं गया, उनके संगीत सुन सुन के मुझे बहुत आकर्षण हुआ। फिर धीरे धीरे मौका मिला, 5 साल केवल तानपुरा बजाया उनके पीछे, फिर सीखने को मिला। तो जो वो सीखना है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आनंद मतलब वो कहीं नहीं है, वो आनंद जो सीखने को उनसे मिला। राग में पहले भी आते थे, रागों का मुझे पहले से सीखा हुआ था, पर जो राग दर्शन उन्होंने करा, जो राग का गहन और सूक्ष्म दर्शन उन्होंने कराया है, वो मुझे कहीं नहीं मिला। वो वही राग जो पहले भी सीखा हुआ है, वही राग उसी राग में इतना ज्यादा आनंद छिपा हुआ है, इतना ज्यादा उसके इतना ज्यादा कुछ उसमें खुशी थी, वो क्या क्या मैं बता नहीं सकता उसको समझाना, बट राग रूप का ऐसा दर्शन और कहीं मुझे दिखा नहीं। तो केवल संगीत में ही नहीं, वो तो जीवन कैसे पूरा बिताना है ये भी मुझे सब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और रोज ही तकरीबन किसी ना किसी रूप में वो याद आते हैं, जब प्रैक्टिस होती है या वो तो कुछ तो होता ही है, विचारों में भी कुछ उनकी जो सीख होती है वो सब रोज याद आती है। क्योंकि जो बहुत महान व्यक्ति होता है वो फिजिकली चाहे चले भी जाए पर वो विचारों के साथ आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहते हैं। और आज 12 जनवरी में जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। बिल्कुल जी, वो प्रोफाइल कह देते हैं, कई बार प्रोफाइल से भी देख सकते हैं अलग अलग ढंग से रात, मतलब तुम एक ही नजर से क्यों देखते हो, और वो सब नजर आपको अलग अलग बंदिशों से मिलती है, इसीलिए राग में अलग अलग प्रकार की बंदिशें होती हैं। अगर ऐसा रूप नहीं दिखना था तो एक एक दो बंदिश से ही हो जाना था, इसलिए अलग अलग कलाकारों ने अपने क्यों इतने रचने करे, जितनी ज्यादा बंदिशें होंगी आपको उतना राग रूप आपका रिच होगा। देखिए वो खुद ग्वालियर के में सीखे हुए थे और बहुत अनेक विद्वानों से भी सीखे थे, मैं खुद ग्वालियर का, पिताजी ग्वालियर के हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा एक तो खैर ये बोला ही नहीं कि घरानों में मत पढ़ो वगैरह ऐसे भी शब्द यूज ही नहीं किए, केवल सिखाते थे, केवल सिखाना। अब जैसे ये जो घरानों की बात से मुझे याद आया, जो गंडाबंद जो सेरेमनी होती है वो नहीं करते थे, कहते हमारी संस्कृति में नहीं है, गंडा बंद होते ही व्यापार शुरू हो जाए। गुरु ऐसा चाहिए जो सिख को सब कुछ दे, सिख मतलब शिष्य, सिख ऐसा चाहिए जो मतलब
गुरु ऐसा चाहिए जो सिख को सब कुछ दे, सॉरी सिख ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु ऐसा चाहिए जो सिख से कुछ ना ले। ये कबीर जी का है, पर ये वो मानते थे। मतलब ये जो ट्रेडिशन, जो घराना जैसे आप कह रहे हो, उसको इस रीत को वो भी नहीं मानते। बट ये नहीं है कि घराना जो वो राग रूप है वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं था। घराना मैं मानता हूँ कि एक ढंग से चलना, एक ढंग से आपको सीखना शुरू में बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप दौड़ सकते हो तो आप हर दिशा में दौड़िए, हर चीज अलग अलग, किसी और घराने की बंदिश है वो सीखिए, जो भी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गाने में अलग अलग वेराइटी आनी चाहिए। और वो भी जब कोई राग सिखा देते, जैसे शुद्ध कल्याण सिखाया, तो उसमें पंडित ओंकारनाथ जी का जरूर सुना देते कि इनका सुनिए, जो उस राग को उन दिनों में सबसे अच्छा गाता था वो सुनवा देते। वजे बुआ के लिए खंबावती सुनाएंगे, खुद बैठते भी थे कि सुनो उसकी खासियतें, खासियतें क्या है, वो सब ऐसे समझाते। अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है इतना, क्योंकि उन दिनों में कैसे समझाऊं आपको कि एक समय होता था वो, ये इंटरनेट कुछ नहीं, ये फोन नहीं, कुछ नहीं, चिट्ठियों का जमाना था, तो वो एक समय बहुत मिलता था। एक राग को सीखने में सीख लिया करके उससे नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी होता मनन करना, उसको अभ्यास करना। वो तो सिखा देते थे, जैसे कुछ दिन सिखाए तो आप बाकी हमें करना होता था, उस पर मेहनत करनी होती। तो ये राग रूप बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनको जो जैसे विलंबित खेले, दो तीन विलंबित आने, फिर कुछ झपटा लाने, फिर जितनी बंदिशें द्रुत की आनी, ऐसे कम से कम 15-20 इतने तो कम से कम होना चाहिए, जबकि पुराने जमाने ये 90-100 के ऊपर होगा। उस्ताद अलादिया खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको 3000 बंदिशें आती, जितने ज्यादा बंदिशें आएंगी राग रूप आपका और रिच होगा, आप उतने रिच आपका गाना होगा। ये जो है, इसके लिए आजकल बच्चों में टाइम है कि नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी हमारे टाइम रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, जो भी कुछ सिखाया फट से दौड़ के लिखो कि भाई भूल ना जाए वो राग, जबकि जो सिखाते थे उसका 10% ही कमरे में आके याद रहता था, फिर उसको करना पड़ता था। और आजकल क्या रिकॉर्डिंग है, भी कर लेते हैं रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी तो धरी का धरा रहेगा। तो अभी भी लिखना, मैं सबको बता दो मेरे विद्यार्थियों को कि आप लिख के ही रखो, वो ज्यादा अच्छा, लिखने में दोबारा मेमोरी होती, याद भी होती। नहीं, मेरा नाम मतलब बचपन से पेट नेम भैया है, भैया बोलते मुझे, तो वही चला है। पिताजी को भाई जी कहते थे, पिताजी का तो मुझे पता है, भाभी जी कहते, हाँ मेरा भैया, तो भैया करके बस वही चल पड़ा, ऐसा कोई इसका कारण नहीं है।